जी नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे साथ हैं आज हमारे बड़े शर्मा जी और साथ में हमारे छोटे शर्मा जी और हम जा रहे हैं रसल खेमा। और बाहर का वेदर कैसा है पहले आपको दिखाती हूँ। सो आज दुबई में छम छम हो रही है बारिश, मौसम है बहुत ही सुहावना। ऊपर देखो आपको, वाह यार, देखा आपने बाहर का मौसम तो यार कितना सुहावना। और बारिश होते हुए ड्राइव करना सबसे बेस्ट चीज है और प्लान शर्मा जी ने बनाया है, दैट इज लाइक समथिंग रियली यूनिक। क्योंकि यूजुअली मैं प्लान बनाने में नंबर वन रहती हूँ कि चलो ये करते हैं, चलो यहाँ चलते हैं। आज शर्मा जी ने आगे से कहा नहीं यार बारिश हो रही है और छमछम बारिश हो रही है तो चलो हम चलते हैं एज अ फैमिली। हम जा रहे हैं रसल खेमा और अभी शर्मा जी ड्राइव कर रहे हैं, थोड़ा टाइम रुक के हम इनसे बात करेंगे, अभी हम इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो शर्मा जी आज हमें लेके जाएंगे रसल खेमा की तरफ, तो चलिए इस जर्नी को लेके चलते हैं साथ में। छमछम बारिश हो रही है यार, छमछम बारिश हो रही है। में बारिश में लगती है ठंड, तो सबसे पहले मैं कुछ स्नैक्स पिक करने जा रही हूँ। बारिश में छाता है नहीं मेरे पास, मेरे पर्स में भी पानी जा रहा है। माय गॉड, अरे तो छप्पड़ लगा हुआ है पूरा पानी का। ओ माय गॉड, इतनी बारिश, यहाँ हर जगह पानी रुका हुआ है। इससे लेना है यूएई में जब भी बारिश होती है ना तो सब लोगों को जैसे चाव चढ़ जाता है, जैसे हमें ना जिंदगी में कुछ देखा ना हो, तो चाय पकौड़े समोसे खाने के लिए तो यहाँ बहुत सारे लोग ऑलरेडी जमा हुए हैं। ये दुबई का भी आप हाल देख लो। पर मैं वहाँ निकली गाड़ी से, पूरे पानी के बीच में से आई हूँ, मेरे जूते भी खराब हो गए। बारिश में किसी को भागते हुए देखा है? लोग भी कहेंगे पागल हो गई है, मेरा पूरा फोन इस वक्त गीला है। एक मिनट भैया निकलने दो। लो जी पकड़ो फटाफट सामान, आ गई मैं। दुकान सामने ही थी पर पिक करके लाना एक टास्क था क्योंकि इतनी तेज बारिश हो रही थी, मेरे पास छाता नहीं था। पर हमने स्नैक्स ले लिए हैं, हम समोसे लाए हैं, समोसों के अलावा और भी काफी कुछ है, तो चलिए मिलते हैं अभी रास्ते में ऑन द रोड। शारजा में हमें लगे 45 मिनट्स ट्रैफिक में हम लोग फंसे हुए थे। बारिश का हाल देखो, आप जगह पे पानी खड़ा हुआ था और देखो वाइपर तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, इतनी तेज बारिश हो रही है। माय गॉड, देखो हमने अभी रास्ते में एक जगह गाड़ी रोकी है पेट्रोल स्टेशन के ऊपर क्योंकि थक गए हम, ट्रैफिक में फंसे हुए थे, बहुत टाइम लग गया। वैसे तो 1.25 घंटे का रास्ता है। आ रहे हैं हान भी, तो ये यहाँ का पेट्रोल स्टेशन है, तो आगे जा रही हूँ मैं, वहाँ एक कैफेटेरिया, वहाँ से कुछ पिक करेंगे। You having fun, Ahan? Yeah. Is it a good day? Yes, it मस्ती is, वाला is day? A very good day. पानी मत उड़ा यार, मेरे न्यू शूज हैं। ओए। मौसम है क्या जगह, मस्ती फुल ऑन। वाह जी वाह, क्या मौसम है, कितनी गाड़ियां खड़ी हुई हैं यहाँ पे, कितनी फैमिलीज घर से बाहर निकली हुई हैं, पेट्रोल स्टेशन के भी ऊपर जो कैफेटेरिया पूरा भरा हुआ है। और अहान, इज इट फन टाइम? चार ड्रॉप से खराब नहीं होती तेरी वॉच। देखो यार आसपास आप लोग, कितना प्यारा लग रहा है सब, देखो आसमान नीला नीला, हाँ पूरी गाड़ियां खड़ी हुई है। इधर हाँ ओ हाँ जी, और शर्मा जी छोटे, और छोटे शर्मा जी, थैंक यू सो मच। चलो जी, हेलो जी शर्मा जी, फ्राइज मम्मा जी, पूरी लाल लाल रंग की पूरी सैंड है, क्या पहाड़ लग रहे हैं यार, देखो बिल्कुल लाल रंग लग रहा है उसका ना। हाँ यही से बस थोड़ा आ गई है। अच्छा
देखो पानी, पूरा पानी भरा हुआ है, देखो पूरी सड़क पे। निकल जाएगी गाड़ी, निकल जाएगी, निकल जाएगी राम राम से, स्लोली स्लोली। हाँ देखो पानी साइड में खुश हो रहा है हाँ भी पीछे राम राम से, भी राम राम से घर पहुंचना है इसी गाड़ी पे हमने। मड श्री वाहे गुरु। वो देखो सामने गुरुद्वारा जी रसल कह माता, ओ देखो जी सामने गुरुद्वारा साहब। लो जी हम पहुंच गए हैं, हम आए हैं रसल खेमा में, नया जो गुरुद्वारा बन रहा है, जो आई थिंक मार्च या अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएगा। हम वहां पे आए हैं, बारिश हो रही है छमछम छमछम, तो हमने सोचा कि भाई आज से बढ़िया दिन नहीं हो सकता माथा टेकने के लिए, सो हम भी यहां आए हैं। पूरा पानी गिर रहा है यहां पे क्योंकि ये टेम्परेरी एरिया है, तो यहां पे चप्पल देते हैं उतार, ठीक है जी, और चलते हैं अंदर। वाहेगुरु जी, ऐ गुरुद्वारा जी रेडी हो जाएगा, पैर जी साडे नैचुरल, पानी नहीं धो दिते ने, साफ कर दिते ने। वाहेगुरु जी, गुरुद्वारा साहिब का चक्कर तो हमने लगा लिया, अब हम निकल भी गए हैं, अंधेरा भी हो गया है, और हमने जाना था रसल खेमा की मार्केट में जो है यहाँ से 35 मिनट दूर, लेकिन अभी कीचड़ बहुत ज़्यादा है, उन्होंने बोला है कि मार्केट में पानी बहुत भरा होगा, तो वो हमारा अभी प्लान जो है कैंसिल हो गया। सो लेट्स सी व्हाट डू वी डू नेक्स्ट। ने लिखा हुआ है गल्फ सिनेमा। इन 600 मीटर्स यू विल अराइव एट योर डेस्टिनेशन। अच्छा यहीं पास में ही है, देखते हैं आगे दिखा रहा है उधर, पानी भरा हुआ है यार ओ उधर पानी भरा हुआ था, हाँ देखो पूरी गाड़ियां पानी में है, देखो जरा ये देखो यहाँ पे भी पूरी गाड़ी पानी पानी हुआ हुआ है सारा, और मुझे लग रहा है अभी बारिश होएगी दोबारा। वो डबल ट्री हिल्टन है ना सामने, हाँ वो रहा। पहुंच तो हम गए हैं रसल खेमा घूमते घुमाते, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हमने जाना कहाँ है, क्योंकि हमने चार बार चक्कर मार लिए हैं। हम ढूंढ रहे थे कोई देसी सी मार्केट रसल खेमा में, लेकिन हमें तो यहाँ जगह जगह पे देखिए पानी भरा हुआ नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर से गाड़ियाँ निकल रही हैं, बड़ा मज़े का लग रहा है। लेकिन अब हम ढूंढेंगे कोई रेस्टोरेंट यहाँ पे जिनसे हम बात करेंगे, और वैसे लेट भी हो गया काफ़ी, सो लेट्स सी ये देखो कितना पानी यहाँ पे सड़कों पे भरा हुआ है। वैसे रसल खेमा है बहुत सुंदर, पानी देखो यार पानी, माय गॉड भरा पड़ा है पानी सब तरफ हाँ डिड यू सी दैट, वो लग रही है दुकानें सामने ना, वहाँ जा रहे हैं अब। ये हमें दिख गया है सिटी सेंटर लिखा हुआ, ये कैफेटेरिया, हाँ छोटी छोटी दुकानें यही लग रही है, रोक लो कहीं बांग्लादेश बिल्डिंग मटेरियल, ये गल्फ हाइपर मार्केट है, छोटी छोटी दुकानें काफ़ी कुछ है यहाँ पे, देखो कितना प्यारा लग रहा है। अल नासर ट्रेडिंग ये रहा, पूरा घूमते घूमते हम रसल खेमा की पहुंच गए हैं फर्नीचर, यूज फर्नीचर वाली मार्केट में, जहाँ पे बहुत सारी फर्नीचर की मार्केट हमें नजर आई है यहाँ पे। सो पूरी स्ट्रीट भरी हुई है शॉप से, आपको दिखाती हूँ, ये पूरी फर्नीचर की दुकानें यहाँ पे नजर आई। मैंने इनसे पूछा कि कोई और भी सिटी सेंटर का हिस्सा है, वो बोले यही सारी सिटी है, उस तरफ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, तो इट इज़ मोर ऑफ लाइक जैसे दुबई है अबू धाबी है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस ही नजर आया। आई थिंक रात भी हो गई है अभी। रसल खेमा का बहुत सारा कुछ तो हमें पता नहीं है, अभी चलते फिरते हम एक नेपाली रेस्टोरेंट में पहुंच गए, लिखा तो है नेपाली खाना भी मिलता है यहाँ पे, इंडियन चाइनीज सब कुछ मिलता है, सो आहान बोला नूडल्स खाने सो लेट्स गो, यू वांट टू ट्राई मोमोज, हाँ यू वांट टू ट्राई मोमोज। सो ये वो रेस्टोरेंट है जहाँ पे अभी हम आए हैं, इनके पास मोमोज शोमोज सब कुछ है, लेट्स सी
ड्रामेबाज आई एम द रॉक मामा दिस इज द रॉक मी वाओ लग तो मस्त रहे हैं मैंने भी स्टाफ से पूछा कि रसल खेमा की इस मार्केट के अलावा वो बोले बस यही यहाँ की सेंट्रल मार्केट है बाकी यहाँ मॉल्स है मॉल्स तो दुबई में भी सेम है तो उसमें तो आपको क्या घुमाना तो चलिए आज का ट्रिप यहीं पे एंड होता है मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ आपसे विदा और अगर आपको ऐसे वी लॉग्स पसंद है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा एंड आई विल ब्रिंग मोर फॉर यू टेक केयर फॉर नाउ गुड नाइट